और जामन तंजीम के ज़ेरे एहतमाम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के योम विलादत के हवाले से एयर कमांडर खालिद चिश्ती का शानदार खराज अकीदत। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हैरत अंगेज मालूमात बैन अल-क़वामी शोहरत याफ्ता स्पीकर एयर कमांडर खालिद चिश्ती ने बानी पाकिस्तान के योम विलादत के हवाले से जामन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते खराज अकीदत पेश किया। जामन की चेयरपर्सन मोहतरमा फरदोस निसार ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। तकरीब के मेहमान खसूसी जवाना ने पाकिस्तान के कायद जनाब अब्दुल्ला गुल थे। गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बुशरा मिर्जा, जनाब मसूद अली खान, जनाब फहद अब्बास, मेजर मुजीब आफ्ताब, बेगम अजरा आफ्ताब, जनाब कर्नल मुमताज हुसैन, ब्रिगेडियर वहीदुल जमान, लाहौर चैम्बर ऑफ कामर्स के सीनियर नायब सदर चौधरी जफर महमूद, CEO कैनन फार्म शेख इब्राहिम, जस्टिस रिटायर्ड नदीम काजी, मोहतरमा सफिया इसहाक वाइस चेयर पर्सन सोशल वेलफेयर, SSP जमाल खान, जनाब वसीम नज़र मोहम्मद, अहमद सुलेमान रब्बानी, मोरसन भट्टी, साइमा तबस्सम, डॉक्टर यास्मीन जवेद और मंशा काजी ने शानदार खराज तहसीन पेश किया। विंग कमांडर सलीम बेग एयर मार्शल खसूसी तौर पर मदऊ थे। इख्तिताम पर जामन तंजीम की जानिब से मेहमानों को और सीनियर्स को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए थे। तकरीब में शरीक शुरुआत ने लाहौर सिटी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माल का आज इवेंट ऑर्गेनाइज किया और पता चला वाकई जिनाह के मुतालिक किसी ने इवेंट किया है। जिनाह के मुतालिक मुफसल जो तफसील जो है आज यहाँ पे लोगों को बताई गई उनकी ज़िंदगी के मुतालिक हैंड्स बिल्कुल ऐसे ही है और हमारे इंस्पिरेशंस तो हैं और कायदे आज़म ही हमारे लीडर भी हैं और हमारे मेंटोर और आइडियल भी हैं। और मैं ये चाह रही थी कि जिस तरीके से एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब जिस तरीके से लेक्चर्स देते थे तो मैं चाह रही थी कि हमारी आम लोगों को भी कायदे आज़म का वो पहलू नज़र आए और हमारा टॉपिक भी यही था अनसीन एंड अनटोल्ड पाकिस्तान और वो भी बहुत बड़े इंस्पायर हैं है उनकी भी और उन्होंने जिस तरीके से पिक्चर्स की एग्जीबिशंस की है और लगाई है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जनरेशन्स हमारे लोगों तक वो चीज़ें जाएं जो कि किताबों में हम पढ़ के हमें वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है, बच्चे रट्टा लगा के करते हैं। लेकिन जिस वक्त के अंदर बेहद खूबसूरत तकरीब जिसके अंदर कायद जो है ना उनको ज़िंदा करने की कोशिश की गई है और मैं इसलिए ये लफ्ज़ कोशिश बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं कायद के फरमुदात और उनका जो अमल और किरदार था उसको इस कौम ने कहीं बहुत दूर कर दिया। और जब से नए पाकिस्तान का मामला शुरू हुआ उसमें जो कायद का पाकिस्तान था वो कहीं मध्यम पड़ गया। आज हम फिर एक दफ़ा पुरअज़म होकर निकले हैं इस नीयत से कि हम कायद का पाकिस्तान लाएंगे। कोई दो पाकिस्तान नहीं, कोई नया पुराना पाकिस्तान नहीं, बल्कि कायद का पाकिस्तान चाहिए। स्पीकर्स ने बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की, तारीख के पन्नों को जो है वो झांका और उसके अंदर पता चला कि कायद जो थे वो सिर्फ़ एक पाकिस्तान का लीडर कहना और या बरे सगीर का लीडर कहना मेरे ख्याल में बड़ी ज़्यादती है। वो एक इंटरनेशनल स्टैचर के लीडर थे और उस वक्त के जो दुनिया की लीडरशिप थी मेरे ख़्याल में अगर उनको नंबर वन लीडर कहा जाए तो बुरा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अपनी रात को जो है नफ़ी करके उन्होंने एक कौम को, एक ऐसी कौम जिसके पास मुल्क नहीं था, जिसके पास खित्ते ज़मीन नहीं था, उसको एक निज़ाम भी दिया, उसको एक मुकाम भी दिया, उसको एक पहचान दी, उसको एक ख्वाब दिया और आज कहीं हमें वो ख्वाब तलाश करना है। जो लीडर आज आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर लें कि अगर वो मौरूसियत पे यकीन करते होते तो आज जिन्ना फैमिली का कोई आदमी आपको कहीं ना कहीं किसी सरकार में, किसी हुकूमत में, किसी शासन में नज़र आता। लेकिन इसका मतलब है कि उन्होंने वही तरीका जो करूने उला के मुसलमानान का था कि अपनी ज़ात की नफ़ी करते हुए अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी की और अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम मुल्क बनाया। मुझे कोई शक नहीं है पाकिस्तान में कोई मायूसियों की जगह नहीं है। हमें अपना किरदार बेहतर करना पड़ेगा, किरदार साजी पे जवान नस्ल को तवज्जो देनी पड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला हम कायद का पाकिस्तान का वो ख्वाब जिसको उन्होंने सोचा था उसको शर्मिंदा ताबीर करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज के इवेंट के लिहाज से मैं ये कहूँगी कि मैं खुद 32 इयर्स के बाद पाकिस्तान आई हूँ और हम लोग जो प्लेटफॉर्म लेके आए हैं उसकी फाउंडर है मिस शनैल खान, शी इज़ अ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट बॉडी का है, इट्स नॉट एन NGO
और इट्स अ दिल के जज्बे के साथ आए हैं टू ब्रिज द गैप बिटवीन डेवलप्ड कंट्री एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री. जैसे हम पाकिस्तान को वैसे देखना चाहते हैं जैसे जिन्ना का ख्वाब था अपनी यंग जनरेशन. हम GMS के रेफरेंस से ये कहेंगे कि कायदे आज़म को देखें, पाकिस्तान बने हुए 75 इयर्स हो गए हैं. हमने सुबह भी सर इवेंट कराया था, वो पूरी यूथ का था और वो लाइव देखा गया था. GMS का प्रोग्राम कनाडा में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, यूथ में अंदर बड़ा जज्बा है. उन्होंने कहा मैम वी विल डू एनीथिंग, वी विल नॉट वेट फॉर एनी लीडर, हम अपने डायरेक्शंस खुद डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान को कायदे आज़म ने बनाया, हमने इसको कहाँ लेके जाना. हम दूसरों की तरफ नहीं देखेंगे, क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे मेरा नेक्स्ट दोस्त क्या कर रहा. हर बच्चा कह रहा था कि हम अपने आप को ठीक करेंगे. तो जब हम अपने आप को ठीक कर देंगे तो पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, हमें किसी पे तनकीद करने की ज़रूरत नहीं. अब पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी फोर्स जो है वो यूथ है. अब आप ये बताइए कि हम अपनी यूथ का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं. गलियों में सफाई, घरों में माँ के साथ असिस्टेंट, बड़े अमीरों के घर साफ करने और उसके बाद फैक्ट्रियों में, मिलों में, या हम लोगों को खाना सर्व करना. तो हम पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान में हम अपनी यूथ को आगे लेके आना चाहते हैं. GMS प्लेटफॉर्म का पूरा इरादा है कि सबके साथ कोलैबोरेट करके, सबके साथ मिल के चलें और पाकिस्तान को खुशहाल करें. नए पुराने की बात छोड़िए. To our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.